नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा सिंह। जादूगर सीपी यादव द्वारा आज मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड के तहत अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस अवार्ड सेरेमनी में फरीदाबाद के सभी पत्रकार व कुछ अवार्डीज ने भी शिरकत की। आपको बता दें कि इस अवार्ड सेरेमनी का उद्देश्य देश में जनसेवा कर रहे लोगों को सम्मानित करना था। साथ ही आपको बता दें मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड सरकार द्वारा पंजीकृत है। भारत की ट्रेडमार्क पंजीकरण, MSME पंजीकरण और ISO द्वारा पंजीकृत मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड कई संस्थाओं के साथ जुड़ के देश का उद्धार करने वाले लोगों के साथ काम करती है, साथ ही उनको प्रोत्साहित करने में भी पीछे नहीं रहती। इसका एक नमूना आज फरीदाबाद में आयोजित इस अवार्ड सेरेमनी में देखने को मिला, जहां देश के अलग अलग कोनों से कई लोग एक ही छत के नीचे शामिल हुए और उन्होंने समाज सेवा में अपने योगदान के बारे में सबके साथ विचार साझा किए। साथ ही जादूगर सीपी यादव व अन्य गणमान्य व्यक्ति द्वारा समाज हित में काम कर रहे लोगों को सम्मानित किया गया। मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड का मानना है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक व्यक्ति के पास किसी न किसी छिपी प्रतिभा का खजाना है, लेकिन लोग या तो उसे पहचान नहीं पाते या प्रस्तुत करने या प्रदर्शन करने का मौका उन्हें नहीं मिलता। समाज में अनूठी प्रतिभा जो आपको बाकियों से अलग करती है, उस मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड उस प्रतिभा को पेश करने का एक शानदार मंच प्रदान करता है। साथ ही आपके सभी कारनामों के कुशल प्रदर्शन के लिए प्रयासरत रहता है। हर छोटे आश्चर्य से लेकर बड़े कारनामों तक समाज के लोगों की सफलता को अच्छे शिखर पर पहुंचने में सहायता करता है। आज आयोजित किए गए इस अवार्ड सेरेमनी के आयोजक जादूगर सीपी यादव ने क्या कहा, आप भी सुनिए। बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से आज एक अवार्ड सेरेमनी यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है जी। क्या पर्पस है इसका और किस तरीके से इसको आयोजित किया गया? देखिए, मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड हमारा एक ऐसी संस्था है जो भारत ही नहीं विश्व में जो भी लोग अपने अंदर कोई स्पेशल प्रतिभा टैलेंट रखते हैं उन टैलेंट के बिहाफ पे उन्हें मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड सम्मान देने का कार्य करते हैं, जिसमें हमने पूरे इंडिया के अंदर ये कैंपेन चलाया हुआ है, जिसमें से लगभग आज 85 लोगों ने इस महीने में अवार्ड के लिए सेलेक्टेड हुए, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में विशेष कार्य किए हुए हैं, जो लिस्ट आपके सामने आपने देखा है। और साथ में हमने फरीदाबाद के जर्नलिस्ट, क्योंकि इस मुश्किल परिस्थितियों में कोविड के टाइम में हमारे किन्हीं भी पत्रकार साथियों ने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, लेकिन कवरेज किया, तो उन सभी के हम लोग समाज के हिस्सेदार होने के नाते ऋणी हैं। तो हमारा फर्ज था कि हम अपने पत्रकार साथियों का भी सम्मान करें। तो मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड सदैव सभी के सम्मान के लिए कार्य करते रहते हैं। ऐसे कितनी फील्ड से लोग आए हैं, जैसे कि अभी अभी कोई सोशल वर्कर है, कोई डॉक्टरेट है, तो ऐसे कितनी फील्ड से देश के कई, हमने देखा कि कई अन्य राज्यों से लोग यहाँ पर आए जी। यहाँ पे 22 राज्यों के प्रतिनिधि हैं, टोटल 22 राज्यों से मेंबर है, जिनमें हमारे IPS रैंक के भी अधिकारियों को हम चुनते हैं। जैसे हमारे जेलर्स आए हुए हैं, वो IPS हैं, भोपाल के, भोपाल जेल के प्रमुख अधीक्षक हैं, जिनको 4 राष्ट्रपति से 4 बार सम्मानित हुए हैं। तो हम लोग पूरे इंडिया से ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं, हमारी 100 से ज्यादा टीम है जो उन पे नजर रखती है, और जो अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं उनको हम ये सम्मान प्रदान करते हैं, ताकि उनका एक मनोबल बढ़े, भारत के अंदर ईमानदारी बढ़े और अपने काम के प्रति एक डिवोशन बढ़े। तो ये हमारा सपना है जी। आज यहाँ पे किया गया, इससे पहले भी आपने कुछ ये अवार्ड सेरेमनी शुरुआत किया जी? यहाँ से पहले भी हमारे चल रहे हैं, 18 तारीख को भी, 18 दिसंबर को भी हुआ, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी हमारे चलते हैं। जैसे अभी भोपाल में हुआ, वहाँ हमने दिया, तो अलग अलग जगह पे हम इवेंट करके हर महीने लोगों को ये सम्मान देते रहे। मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड 2009 में मैंने उसको जन्म दिया और 2011 से उसे रनअप पे लाया, और आज 11 वर्ष के अंतराल के बाद आज 5000 से ज़्यादा रेगुलर हमारे साथ मेंबर जुड़े हुए हैं। और वैसे जो अवार्डी के बिना जो आगे आने वाले हैं उनकी भी लिस्ट लगभग 20,000 से ऊपर है। क्या समझ? आइडिया, जब मैं एक मैजिशियन हूँ, अधिकतर लोग जानते हैं जादूगर सम्राट सीपी यादव के नाम से, मैजिशियन डॉक्टर सीपी यादव के नाम से, तो मेरे सामने बचपन में चुनौती आती थी कि कोई भी व्यक्ति मुझे काम करने के लिए, जब भी हम कोई खतरनाक, क्योंकि मैं खतरनाक खेलों से बहुत लाइक करता हूं, तो जब खतरनाक स्टंट करते थे तो उसे जब पब्लिक में पब्लिश करने की बात आती तो लोग रोक देते थे। तो जब मेरे जैसे व्यक्ति को रोक सकते हैं, तो पब्लिक में मेरे जैसे प्रतिभा करने वाले मेरे से भी अच्छे लोग होंगे तो वो क्यों नहीं रोकते होंगे। तो हमारा टारगेट था कि हर व्यक्ति इस मंच पर आए और आगे बढ़े और उनकी भी प्रतिभाओं को हम सामने लाएं। तो उसी मिशन से आज तक मैं इसे चला रहा हूं और आपके बीच में है, और हमारा ये मिशन निरंतर जारी रहेगा।
और हम बराबर इस पूरी दुनिया में ऐसे लोगों को चुनते रहेंगे और ढूंढते रहेंगे, उन्हें सम्मान देते रहेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा, मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमारी 42 कैटेगरीज हैं। सोशल वर्क है, एजुकेशन है, हेल्थ है, आपका केमिकल इंडस्ट्रीज है, आपका एजुकेशन है, आपके स्पोर्ट्स है, मैजिक है, प्रेस है, और उसके अलावा राइटर्स हैं, डांस है, सिंगिंग है, पेंटिंग है, या कोई भी साइंस के एग्जीबिशन से, इस तरह के लगभग हमारे 42 से 43 हमारी साइट पे सारे अपडेट हैं magicbookofrecord.com पर। तो उस कैटेगरी के हिसाब से हम उनको चुनते हैं, जो बेस्ट आता है वो बेस्ट अचीवर्स अवार्ड, जो उसमें 10 से 15 साल लगातार अचीवमेंट्स लेता है उन्हें हम हॉनररी डॉक्टरेट अवार्ड, जो रिकॉर्ड कायम करता है, जो दावा करता है मेरे अलावा ये कोई नहीं कर सकता, तो वो हमारा रिकॉर्ड अवार्ड कहलाता है। कैसे जुड़ सकते हैं लोग हमारे साइट के ऊपर, हमारी साइट पे फॉर्म भरें, रजिस्ट्रेशन करें, या हमारे नंबर 9910192998 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सर, आज आपने कुछ थाईलैंड के अवार्ड की, हाँ, एक ट्रिप की भी बात की है, उसके बारे में जानना। हाँ, जो हमारा थाईलैंड का ट्रिप है वो एक अगस्त महीना हमारे लिए, इंडिया के लिए फेस्टिवल का कारण होता है, क्योंकि हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त को, तो उस मंथ को हम आज़ादी के रूप में मनाते हैं। तो मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड ने ठाना है कि हम लोग यहाँ से जाकर, थाईलैंड एक ऐसा कंट्री है जो कभी गुलाम नहीं हुआ, वर्ल्ड के सारे कंट्री गुलाम हुए लेकिन थाईलैंड कभी गुलाम नहीं हुआ, तो उस थॉट को हमने रखते हुए हमने प्लान किया कि हम थाईलैंड के अंदर ही ये आज़ादी का जश्न रखेंगे, तो उसको हमने नाम दिया द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल इन थाईलैंड, ताकि वहाँ कोई भी फैमिली, कोई भी बच्चा जाके उस ट्रिप का आनंद ले सकता है। और उसका जो हमने बजट रखा है वो सबसे कम रखा है, 4 5 डेज 4 नाइट का हमने विजिट का, वहाँ रहने का, खाने का, घूमने का, सारी चीज़ों का, वहाँ का जो इंक्लूडिंग खर्चा है वो हमने 16,000 और 1,20,000 दो रेट रखे हैं, और जो हमारे अवार्डी मेम्बर्स हैं उनको हमने 2,000 का डिस्काउंट भी रखा है। पूरे इंडिया में क्या कहीं पर भी इस बजट में कोई आपको होटल रूम्स प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो ये सभी के लिए है, कहीं से कोई भी मेंबर्स हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू पायोनियर का। और मेरा नाम सोनाली जैन है। मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से आज यहाँ एक अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई है और काफ़ी लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है, कई अलग अलग स्टेट से आए हैं लोग। आप कहाँ से आए हो और आपको अवार्ड से नवाजा गया है, मैं दिल्ली से हूँ और मुझे अवार्ड मिला है बेस्ट आउटस्टैंडिंग फैकल्टी का। मैं प्रोफेशनल कोर्सेज CA CS और CW के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ और इसी कैटेगरी में आज मुझे बेस्ट फैकल्टी का अवार्ड किया है। और मैं मैजिक बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे इस काम को सराहा और आज उन्होंने मुझे इस अवार्ड को दिया है। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं इस फील्ड में ऑलमोस्ट 8 to 10 years से हूँ एंड मुझे इसके बारे में पता चला थ्रू द फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, जो कि सोशल मीडिया है हमारे। एंड आई थिंक आज की डेट में सोशल मीडिया इतने हाइट्स पर चले गए हैं ना कि आप लोग कहीं से कहीं पहुँच सकते हैं। जैसे मैजिक बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हमारे तक पहुँचा, आज उन्होंने हमें अपने तक बुला लिया। सो दैट इज़ द पावर ऑफ सोशल मीडिया एंड आई थैंक मैजिक बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर एक्चुअली अप्रिशिएटिंग द एफर्ट्स ऑफ एवरी पर्सन सिटिंग ओवर देयर, जिन्होंने हर एक कैटेगरी में सबको अवार्ड्स दिए, सबको सम्मान दिया। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं डॉक्टर नोमैथम सांत सिंह फ्रॉम मणिपुर। एक्चुअली आज का अवार्ड जो है वो ऑनररी डॉक्टरेट का है, बेस्ड ऑन सोशल सर्विस, एंड आई हैव बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 5 years फॉर द पीपल ऑफ मणिपुर। बेस्ड ऑन दैट I have got the award also, and recently I have got this Bharat Gaurav Award given by the government of India in New Delhi, and I think I have got almost 10 awards for this 2020 based on the social service. Yeah. In Manipur, during the COVID time, you know, I used to provide all the requirements regarding the food, sanitary masks, and everything that is required.
So during the COVID time, you know, in Manipur, that was one of the worst problem happened in Manipur. So that time I was, you know, doing lots of things by providing the food to those needy people also. And I have given the whole entire department this free of cost with the sanitary, what do you call these napkins, as well as the masks and hand sanitizers, providing them all along with all the departments like police, media, and the health sector and also. So based on that, I have been awarded as a national this corona warrior also by the government, which I have given lots of contribution to the people of Manipur during the COVID time. So that much I have done it so far, and I think I'll be able to do more services for the people again. From where you get this that you want to help people? Either say aapko aisa start hua. Actually, I have based on like my family, like, you know, my grandpas and all, they are helping lots of people, you know, in my village also. So I'm following their step actually, and I love to do also, and I'm happy to work for the people right now. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you so much. राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर. दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को. वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना न भूलें.